जोम्बी ऑफ द डेड। देखो यह एक जोम्बी मूवी है, लेकिन बाकी जितने भी जोम्बी मूवी निकले हैं ये सबसे वो हटके है, यानी कि उन सब मूवी में से ये सबसे अलग मूवी है, क्योंकि इसे जैक स्नाइडर ने बनाया, जस्ट जोकिंग। और यह मूवी सबसे अलग इसलिए है क्योंकि बाकी आप जितने भी जोम्बी मूवी देखोगे तो सारे वो जोम्बी में से उन लोगों के पास दिमाग नहीं रहता, यानी सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती। लेकिन इस मूवी की जोम्बी में वो सोच सकते हैं, बात कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं और लड़ने में बहुत ही तेज रहते हैं, जो कि आपकी एक हरकत पे वो लोग आपको चीर फाड़ डालेंगे और आप उन लोगों के लिए कोई जाल भी नहीं बिछा सकते। लेकिन उन ज़ॉम्बीज के पास हम लोग से कुछ ज्यादा ही दिमाग रहता है। और मान लीजिए कि इसी के बीच 200 मिलियन पड़ा हुआ है और आपको वो पैसा लाना है, तो आप कैसे लाओगे? टेलर में हमें एक टीम दिखाया जाता है, क्योंकि शायद वो आर्मी ऑफिसर रहते हैं और वो दूसरों की जिंदगी बचाने का काम करते हैं, लेकिन शायद वो लोग वहाँ से रिटायर हो चुके होते हैं और सब अपनी अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं, जो कि अपनी जिंदगी चलाने के लिए कुछ थोड़ा मोड़ा काम करके बजर गुजारा करते हैं। जिसमें से ये शख्स जो है ये एक बावर्ची का काम करता है और उसके पास एक ऑफिसर आता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें 50 मिलियन दूंगा, और वो भी एक काम का। एक काम 50 मिलियन, ऐसा काम कौन नहीं करेगा भाई। और वो काम है कि एक शहर है लास वेगास, उसमें सारे जोम्बी लोग फंसे हुए हैं। उस इलाकों के बीचों बीच एक कैसीनो है जिसके अंदर एक तिजोरी है और उस तिजोरी में 200 मिलियन पड़े हुए हैं। इन लोगों को टाइम दिया जाता है 36 घंटे का, जाओ वहां से वो सारा पैसा लेके आओ। इन लोगों के पास ऑप्शन रहता है कि एक तरफ पैसा, दूसरी तरफ मौत। ये वाला पार्ट एकदम फनी सीन लगा कि ये जोम्बी एकदम चश्मा पहन के स्टाइल मार रहा है। इन लोगों के पास सबसे बड़ी चुनौती ये रहती है कि इन लोगों को अंदर भी घुसना है और वो सारा पैसा लेके बाहर भी निकालना है। जाते समय भी मौत और आते समय भी मौत। और वो पुराना वाला जोम्बी नहीं है, जो कि आप हरकत ना करो तो छोड़ देगा, उसके पास अपने दिमाग रहता है। फिल्म में हमें ये तो दिखाया जाता है कि वो लोग अंदर तिजोरी में तो घुस जाता है, लेकिन वो सभी उतने पैसे लेके बाहर कैसे आते हैं इस ट्रेलर में नहीं दिखाया गया। इस ट्रेलर में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट और ये लगा कि वहाँ एक टाइगर भी एक जोम्बी बन गया, यानी इसमें होने वाला है नेक्स्ट लेवल का एक्शन, क्योंकि इस मूवी का डायरेक्ट किया है जैक स्नाइडर ने और इसका स्टोरी भी जैक स्नाइडर ने ही लिखा है। यह मूवी नेटफ्लिक्स पे 21 मई को रिलीज होने वाली है। देखो मेरे पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन तो नहीं है, क्या करे गरीब आदमी। तो आप लोगों को इस मूवी का अगर रिव्यू चाहिए तो मैं थोड़ा सा लेट से दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।